परमात्मा का सच्चा भक्त सृष्टि के प्रत्येक प्राणी में परम सत्ता का निवास मानता है, जिस कारण वह दूसरों के दुख से द्रवित होकर उनके दुख को अपना दुख मानकर उसे दूर करने का हर संभव प्रयास करता है, और यही गुण उसे मानवों में शिरोमणि बनाता है। परमात्मा का आदेश है कि जिसे जो भी शक्ति मिली है वह उसका सदुपयोग करे, उससे स्वयं लाभ लेकर ही संतुष्ट ना हो बल्कि दूसरों को भी लाभ पहुंचाने का प्रयास करे। परोपकार से मानव जीवन को सार्थक करने वाले ही भगवान के सच्चे भक्त होते हैं और वही अपना कल्याण करते हैं। आपको बता दें कि सेवा तथा करुणा की मिसाल उपप्रवर्तक पीयूष मुनि महाराज ने आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर से लगभग 3,300 लोगों के लिए कड़ी चावल छोले पूरी के लंगर की गाड़ियों को रवाना करते समय अपने संदेश में कहा कि परोपकार से सामाजिक उन्नति होती है और स्वार्थपूर्ण संग्रह की भावना से समाज का कभी भला नहीं हो सकता। मनुष्य समाज से अन्न वस्त्र मकान तथा जीने के योग्य समस्त उपकरण लेता है, इसलिए शरीर के रहते ही सभी उपकारों के ऋण को चुका देना चाहिए। जो कुछ भी देना है उसे अपने जीवन काल में ही देकर हिसाब चुकता करना उचित है। भागवत में नारद कहते हैं कि जितने से अपना पेट भरता है अपने परिवार और आश्रित जनों की जरूरतें पूरी होती हैं उतने तक ही प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। किसी को भी धन संपत्ति पर फनियर सांप की तरह कुंडली मार कर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करना और आपदा के समय भी उसे जरूरतमंदों में ना बांटना सामाजिक अपराध तथा दंडनीय कार्य है। तन मन धन से परोपकार किया जा सकता है, ऐसा व्यक्ति कोई भी नहीं है जिसके पास कुछ भी नहीं है और जो किसी को कुछ देने की शक्ति नहीं रखता है। भावना होने पर हर व्यक्ति परोपकार कर सकता है। कम होते हुए भी जो दूसरों की मदद करता है वह प्रशंसा का पात्र है। इस दौरान हरियाणा वन निगम के चेयरमैन धर्मपाल गोंदर, विधायक तहसीलदार राजबख्श, समाज सेवी राजीव मुकुल, सरपंच रकम सिंह राणा, राजेंद्र जैन, सुरेंद्र जैन के साथ कई गणमान्य उपस्थित हुए। धन की तीन गतियां, तीन स्थितियां बताई गई हैं, दान, भोग और नाश। व्यक्ति जिस धन का अपने लिए इस्तेमाल प्रयोग नहीं करता, किसी दूसरे जरूरतमंद को उसके माध्यम से कुछ उपलब्ध कराने का प्रयत्न नहीं करता, उसके धन की तीसरी दशा और तीसरी हालत होती है, यानी उसका धन बैंक में जमा कराया हुआ, जमीन में गाड़ा हुआ, कहीं इन्वेस्ट किया हुआ ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है और वह अकेला खाली हाथ दुनिया से जाने के लिए मजबूर और विवश होता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अपनी जरूरत से ज्यादा आपके पास जो कुछ भी है किसी जरूरतमंद को देकर पुण्य अर्जित करने का प्रयत्न किया जाए। आज के इस वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए विशेष रूप से श्री जिलेराम शर्मा जी, जो हरियाणा के पूर्व मुख्य संसदीय सचिव हैं और विगत विधानसभा चुनावों में भी इन्होंने दूसरे स्थान पर रहते हुए 26,000 से अधिक मत प्राप्त किए थे, निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए भी सारे लोगों के हितैषी हैं, सभी वर्गों का सहयोग करने का प्रयत्न करते हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अधीक्षण अभियंता श्री एस के चावला जी, जो बहुत ही प्रभु परायण, धर्मनिष्ठ और जनता की सेवा के लिए हर समय तत्पर उद्यत रहने वाले व्यक्ति हैं, और काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़े हुए इंस्पेक्टर श्री बलजीत सिंह जी, जो SHO सदर करनाल हैं, पुलिस विभाग के एक उत्तम सेवक और हर समय जनता के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने और ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.